से अपना सफर शुरू किया था और वो जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, स्कूल के आप टॉपर थे, तो जब आज उस सफर को याद करते हैं तो कैसा लगता है? मतलब ऐसा लगता है सपना था या कहीं ना कहीं दर्द महसूस होता है? सच्चाई से कहूँ तो मैं पहला ऐसा आदमी होगा जिसे आप मिले होंगे जो कहेगा कि मुझे मेरे बचपन को दोबारा नहीं जीना। मेरा बचपन बहुत अच्छा गया था, ऐसा नहीं कि मैं आई हैड अ वेरी नाइस चाइल्डहुड, बट क्या है कि मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में चाहिए थी और मैंने ये कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता जवान में आने के बाद देखा। सो आई लव माई चाइल्डहुड बट आई वुड नेवर वांट टू गो बैक टू इट अगेन। बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी अभी तक रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जब आपको पहली बार स्टारडम मिला तब कैसे रियलाइज हुआ कि स्टारडम मिल गया है, अब स्ट्रगल खत्म हो गया है? मुझे कभी भी कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं मिली कि मैं रातों रात अचानक ही एक फिल्म हिट हो गई, गाना हिट हो गया, ओह माय गॉड सोनू निगम आ गया, ऐसा नहीं हुआ। मुझे ना इंस्टॉलमेंट्स में मिली, छोटे 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 उसमें मिली। पहला गाना क्या था, इश्क में हम तुम्हें, क्या पहले वो आया था गाना, वो गाना आया और थोड़ा सा लोगों ने बोला अच्छे गाता है, फिर अच्छा सिग्नल दिया, फिर वो आया। फिर भी कभी भी ऐसा नहीं हो कि मतलब मेन स्ट्रीम में गा रहा हूँ या मुझे बेस्ट डेब्यू सिंगर अवार्ड मिल रहा है। मुझे डेब्यू मिला ही नहीं कभी अवार्ड, आज मतलब नॉमिनेट भी नहीं किया गया कभी ऐसा हुआ। और आजकल तो कोई आता है उसको पहली ही बार पहले साल में डेब्यू भी मिल जाता है और बड़ा अवार्ड भी मिल जाता है, मुझे नहीं मिला ऐसा। अच्छा हुआ मैं घूमा नहीं बहुत समय तक, आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम पड़ा कि मैं थोड़ा पॉपुलर हो रहा हूँ। जब मेरा प्रोग्राम आया टीवी पर अंताक्षरी में, मैंने पार्टिसिपेट किया था एज स्टार सिंगर्स में, अभिजीत दा थे, उदित जी था, सबसे कम एक्सपीरियंस में ही था, पर हम जीत गए। तो रातों रात मैं फेमस हो गया पूरे इंडिया में, फिर सारेगामा आया मेरा, उससे और फेमस हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप मिला, फिर सिंगर तब भी नहीं बना था मैं, फेमस नहीं हुआ था। फिर संदेश से आते आया 97 में, फिर ये दिल दीवाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी चलनी शुरू हुई, फिर मेरे एल्बम्स आए तू कर दे जाने की। तो आप देखेंगे तो हर स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरनाइट मुझे एक फिल्म मिल गई। जैसे अरिजीत सिंह को आशिकी 2 मिली तो ओवरनाइट वो स्टार बन गया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।